हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा वेक्टर्स। तो कल जस्ट हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी और लास्ट में हमने एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स देखा था। तो एक क्विक रिव्यू करते हैं जस्ट एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स का, ठीक है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो आई विल जस्ट टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें हमने जो पहला देखा था दैट वॉज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर विद अ स्केलर, ठीक है ना। मतलब स्केलर मतलब एक कोई नंबर है, लेट्स से 2, 3, 4 या फिर नेगेटिव नंबर, उससे अगर हमने वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है लेट्स से 4, और मैंने अगर मान लो इस वेक्टर को ए को लेट्स से 3 से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट आई विल गेट, लेट्स से वेक्टर ए मेरा ये था विच इज ऑफ मैग्नीट्यूड 4, एंड अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट अ वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन एंड दैट विल बी ऑफ लेंथ 8 units, क्योंकि इसका 4 है तो उसका क्या हो जाएगा सेम डायरेक्शन में 8 units, और दिस विल बी माई 2 times ए वैक्टर। और मैंने बोला था कि अगर स्केलर नेगेटिव होगा, स्केलर नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा वैक्टर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको वैक्टर को लेट से -3 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 12 एंड डायरेक्शन विल बी रिवर्स। सो दिस विल बी माई -3a वेक्टर, ठीक है ना। एक तो ये देखा था हमने, दूसरा हमने देखा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो उसके लिए हमने दो लॉ बताए थे, हालांकि मैंने लॉ के बाद तुमको एक शॉर्टकट बताया था, बट बिफोर दैट एक बार हम लॉ दोबारा देख लेते हैं। ट्रायंगल लॉ, पहला हमारा क्या था ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि एक वेक्टर हमने ऐसे लिया लेट्स से वेक्टर ए, तो दूसरा वेक्टर जो है हमारा, हमने क्या किया दूसरे वेक्टर को उसका जो टेल है इसके हेड पे रखा, दूसरा वेक्टर का टेल इसके हेड पे रखा, तो लेट्स से दिस इज माय वेक्टर बी, और फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट इज द वेक्टर जॉइनिंग टेल ऑफ ए एंड हेड ऑफ बी, दैट विल बी माय सम वेक्टर, दैट विल बी माय सम वेक्टर, दिस इज माय ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। और मुझे अगर ए माइनस बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, क्या बताया था मैंने कि ए माइनस बी कैन बी रिटर्न एज ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो बेसिकली a माइनस बी इज एडिशन ऑफ a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर। तो a वेक्टर तो मैंने ये ले लिया लेट से ये रहा मेरा a वेक्टर, और माइनस b वेक्टर क्या हो जाएगा जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे 180 डिग्री से रोटेट कर देंगे, तो आई विल गेट दिस, ये मेरा हो गया b वेक्टर। अब मैंने क्या बोला था ट्राइंगल लॉ से, हम एक इसके हेड पे इसका टेल रखते हैं, तो ऐसा क्या कैसे करेंगे हम इस वेक्टर b को हम स्लाइड करके नीचे लेके आएंगे, बिकॉज वी कैन ट्रांसलेट द वेक्टर्स, we know we can translate the vectors because in mathematics whatever we are going to learn they are all free vectors, so we can translate it without changing its magnitude and direction. So ab main idhar se hata deta hu, this is my minus b vector, theek hai na, aur ab kya bataya tha resultant kya karte hain, iska tail iska head, this will be addition of these two, that is a plus of minus b, that is a minus b. To ye to humne sum vector aur difference vector triangle law se likha, ab hum ek bar parallelogram se likh lete hain। तो पैरेललोग्राम ने क्या बोला था कि जो भी दो वेक्टर्स हैं उनको एडजेसेंट साइड्स लेकर वी विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम, और वो क्या बोल रहा है कि एक डायगोनल तो सम वेक्टर होगा एक डिफरेंस वेक्टर होगा, ठीक है ना। आज इसके बेसिस पे हम एक आध न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो लेट्स से मेरा वेक्टर ए ये है, ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है ना। दो सिनेरियो ले रहा हूँ, देखना दोनों सिनेरियो समझ में आना चाहिए। लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए एंड लेट्स से दिस इज माय वेक्टर बी, बोथ द सिनेरियोस, ठीक है ना। क्या करेंगे वेक्टर ने, क्या उसने क्या बोला, इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स मानते हुए वी विल कंप्लीट द पैरेललोग्राम। पर कैसे करेंगे, ये वेक्टर ए वी नो कि अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं ऊपर तो दिस विल आल्सो बी माय वेक्टर ए, सिमिलरली इस वेक्टर को ट्रांसलेट करके इधर रखा तो दिस इज माय वेक्टर बी, दिस इज माय वेक्टर ए। तो पैरेललोग्राम से क्या बोलूंगा, दिस रिजल्टेंट दिस इज माय वेक्टर ए प्लस बी, गेट इट। और इधर मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा इधर ये टेल मिलाऊंगा, जैसे अभी इधर क्या था हमारा ऑलरेडी टेल मिले हुए थे ए और बी के, इधर मैं ए और बी के टेल मिलाऊंगा। तो फॉर दैट आई विल स्लाइड दिस वेक्टर बी, दिस इज माय वेक्टर बी, अब इन दोनों के टेल मिल गए, इसको रब कर दिया, अब मैंने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो ये मेरा ए वेक्टर ये मेरा बी वेक्टर, ठीक है ना, ये मेरा ए वेक्टर और ये मेरा बी वेक्टर, तो दिस विल बी माय सम वेक्टर, दिस इज ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। और मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि सम वेक्टर हमेशा ज़्यादा हो, दिख भी रहा है ना, जैसे इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये छोटा वाला डायगोनल हमारा ए प्लस बी आया, और जबकि बड़ा वाला क्या होगा, बड़ा वाला डायगोनल दिस विल डेफिनेटली बी ए माइनस बी वेक्टर, इधर उल्टा हो रहा है, इधर ए प्लस बी जो आ रहा है वो हमारा बड़ा वाला डायगोनल आ रहा है और ए माइनस बी हमारा छोटा वाला आ रहा है,
वो डिपेंड करता है ए और बी के बीच में एंगल क्या है, ठीक है ना। आई होप इतना हमने कल देखा था। फिर हमने एक बार शॉर्टकट देखा था। शॉर्टकट क्या देखा था कि हमारे पास कितने भी वेक्टर हो, लेट से मैंने बोला एक वेक्टर ये ले लिया मैंने, एक वेक्टर ये ले लिया, फिर लेट से एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, लेट से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है ना। तो हमें तो क्या करना है, एक वेक्टर लिखा हमने, लेट से ए लिखा, तो ए तो मेरा ये रहा, इसके टेल पे, इसके हेड पे इसका टेल रख दो, तो दिस इज माई वैक्टर बी, और फिर इसके हेड पे इसका टेल रख दो, तो दिस इज माई वैक्टर सी। अब बस फाइनल इनिशियल जहाँ से चले थे यहाँ तक आए, तो बस इसको ज्वाइन कर दो, तो दिस इज माई ए प्लस बी प्लस सी वैक्टर, ठीक है ना। और एक और चीज़ क्या देखी थी हमने कि अगर मान लो कोई डायग्राम दिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉलीगन टाइप का कोई डायग्राम दे रखा है, लेट से ये रहा, ये लिखा मैंने, ऐसे लिखा, फिर लेट से ये लिखा। अब मान लो मुझे ये वेक्टर निकालना है, लेट से मैं इसको नाम दे देता हूँ पी से क्यू, पी क्यू वेक्टर। तो मैंने क्या बताया, पी से क्यू तक चलो, मतलब पी से क्यू आना है मुझे कोई भी पाथ के थ्रू। तो एक तो मैंने ये डायरेक्टली लिख लिया पी क्यू वेक्टर, पी से क्यू। अब इसी वेक्टर को मैं इस डायरेक्शन में मूव करके भी लिख सकता हूँ, लेट से ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मैंने क्या बताया था, रास्ते में जितने भी वेक्टर्स मिले उन सबको ऐड करते जाओ, कीपिंग दैट इन माइंड डायरेक्शन, कीपिंग डायरेक्शन इन माइंड। सो मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो ए डायरेक्शन तो सेम है, तो ए एज इट इज, प्लस बी बी सी डायरेक्शन में जा रहा है बी, अब सी उल्टा है तो सी इधर है तो मुझे उधर जाना है तो माइनस सी, एंड डी उस साइड दिया मुझे इधर आना है तो माइनस डी, तो दिस इज माई पी क्यू वैक्टर। तो इससे क्या करोगे, इससे तुम्हारा पैरेललोग्राम ट्राइंगल लॉ वगैरह बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे अभी अपन ने क्या देखा था कि पैरेललोग्राम में जैसे ए ए वैक्टर ये था, ये मेरा वैक्टर बी था, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला वैक्टर भी हमारा क्या आ रहा था उस डायग्राम में, ये क्या था आ रहा था, ए माइनस बी आ रहा था। अब देखो इस डायग्राम से कितने आसानी से आएगा, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, या फिर दो सिनेरियो ले रहा हूँ, एक और लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए, तो दिस इज माय ए, दिस इज माय बी। तो दोनों वेक्टर देखते हैं हम, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यूजिंग शॉर्टकट वाला। तो मुझे यहाँ से यहाँ आना है, तो आई विल गो लाइक दिस वे, तो रास्ते में जो जो वेक्टर मिले उनको ऐड करते जाओ, तो बी उस डायरेक्शन में, मुझे इस साइड मूव करना है तो माइनस बी, और फिर ए इसी डायरेक्शन में तो प्लस ए, सो दिस इज व्हाट माय ए माइनस बी वेक्टर। सिमिलरली इधर अब मुझे ये वेक्टर चाहिए, तो यहाँ से यहाँ आना है, तो रास्ते में जो जो वेक्टर मिले ऐड कर दो, तो आई विल मूव लाइक दिस वे, तो एक ए वेक्टर ए आया और एक वेक्टर बी आया, तो ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये हमने इतना कल की क्लास में देखा था। अब इसके बाद हम नया पढ़ते हैं आज की क्लास में, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ रिविजन फॉर यू। चलो तो हम देखते हैं एक छोटा सा पार्ट, इनइक्वालिटी। तो लिख लो इधर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा, पहले ये पढ़ लेते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ये चीज़ जो थी ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कवर हुई थी, तो आज और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी तुम लोगों को, आई होप। तो देखते हैं क्या था ट्राइंगल इनइक्वालिटी। लेट से दिस इज माई वैक्टर ए, दिस इज माई वैक्टर बी, ठीक है, ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, ठीक है। मैं दो डायग्राम बना रहा हूँ, देखना ध्यान से, दिस इज़ माय वेक्टर ए एंड दिस इज़ माय वेक्टर बी, ठीक है। तो मैं सम वेक्टर और डिफरेंस वेक्टर लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना। तो मुझे पता, अभी हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो ये वेक्टर क्या आएगा मेरा, ए माइनस बी, ठीक है। और ये वाला जो वेक्टर, इसको अगर मैं, ये वाला जो वेक्टर होगा यहाँ से यहाँ तक का, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँगा, सो दिस इज़ माई ए प्लस बी वैक्टर, या ट्राइंगल लॉ से बोल दो, तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, अब मैं इसको नेमिंग कर रहा हूँ ट्राइंगल को, तो लेट मी राइट इट, लेट से दिस इज वर्टेक्स ए, दिस इज वर्टेक्स बी, दिस इज वर्टेक्स सी, ठीक है। और सिमिलरली ये मेरा वर्टेक्स ए है, ये बी है, और ये सी है, लेट से, ठीक है। ये मैंने नेमिंग कर दी इसकी वर्टेक्स की। अब मैं ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या होता है, 9th 10th में पढ़ते हैं, पहला इनइक्वालिटी देखना ध्यान से, कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड। मैंने बोला सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर इक्वालिटी करूंगा मैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो फिर ट्राइंगल नहीं बनेगा। फॉर अ ट्राइंगल, ट्राइंगल बनने के लिए सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड। तो देखना, मैं इस ट्राइंगल से लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा सम ऑफ टू साइड, मतलब ए बी प्लस बी सी। आई एम नॉट राइटिंग वेक्टर हियर, दिस इज लेंथ,
दिस इज लेंथ नॉट वेक्टर. ए बी और बी सी मैंने वेक्टर ऊपर ऊपर एरो नहीं लगाया ना, तो ये मेरा लेंथ का काम कर रहा है. ए बी लेंथ है दिस साइड एंड दिस साइड इज बी सी लेंथ. दिस हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सी साइड. इक्वल टू मैं क्यों लगा रहा हूँ कि इक्वल टू के लिए ठीक है हमारा ट्राइंगल नहीं बनेगा लेकिन कोलिनियर आ जाएंगे वेक्टर, वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा. तो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड. सिमिलरली इस ट्राइंगल में भी मैं लगा सकता, एक मिनट मैंने इसके हिसाब से लिया ना, तो इधर ए माई हाँ ठीक है करेक्ट है ठीक है, और ये हो जाएगा बी सी और ये हो जाएगा ए बी ठीक है. सिमिलरली फॉर दिस ट्राइंगल ऑल्सो सेम इक्वालिटी आएगी. दिस इज माई साइड ए सी एंड दिस इज बी सी एंड दिस इज ए बी. तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सी. अभी तक मैंने वेक्टर का कुछ यूज़ नहीं किया इसमें. अभी अभी मैंने सिंपली लिखा है सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड ठीक है. अब मैं लिख रहा हूँ देखना, इस ट्राइंगल के हिसाब से ए बी क्या होगा, साइड ए बी क्या होगा, मॉड ऑफ बी. वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या बताता है हमारा वेक्टर का, लेंथ ऑफ दैट वेक्टर. तो दिस ए बी कैन बी रिटन एज अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मॉड ऑफ बी प्लस. सिमिलरली बी सी क्या होगा, बी सी लेंथ, वेक्टर बी सी का लेंथ विच इज मॉड ऑफ ए एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सी. ए सी वैक्टर क्या हो गया हमारा, ए माइनस बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड. क्लियर हुआ, ये मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है वैक्टर नहीं लिखा है ठीक है ना, बिकॉज दीज आर लेंथ. चलो इधर लिखते हैं इस डायग्राम के हिसाब से क्या लिखूंगा, ए बी मेरा वैक्टर बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी लेंथ इज वैक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सी वैक्टर विच इज वॉट ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ठीक है ना. तो इधर से और इधर से हमें क्या अंतर मिला, इधर माइनस आ रहा है इधर प्लस आ रहा है. तो इन दोनों इनइक्वालिटी को मैं क्लब करके ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ना. सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड. और मुझे पता भी है ना कि अगर मैंने ए और बी को एक साइड लिए, ट्राइंगल्स के साइड लिए वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो थर्ड साइड क्या हो सकता है, या में ए माइनस बी होगा या फिर ए प्लस बी होगा. तो एक साथ लिख दिया अपन ने इधर कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड. इधर ऐसा नहीं कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो प्लस या माइनस कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है ठीक है ना. और इधर इक्वालिटी जो है, इक्वालिटी कब आएगी, जब वैक्टर्स मेरे कोलिनियर होंगे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एन एग्जाम्पल. मैंने इधर लिख लो, हालांकि इधर लिख लो, एक काम करो इधर लिख लो बस कि इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन वेक्टर्स आर कोलिनियर. लिख लो इधर, इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन वेक्टर्स आर कोलिनियर. जब मेरे वेक्टर्स ए और बी कोलिनियर होंगे. अब कोलिनियर में भी दो सिनेरियो हो सकते हैं, लाइक और अनलाइक, मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल टाइप चीज ठीक है ना. तो वो क्या हो, वो कब होगा, वो अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा. बट फॉर टाइम बीइंग इतना याद रखो कि इधर इक्वालिटी जो है वो कब आएगा, जब मेरे वेक्टर ए और बी कोलिनियर होंगे. कोलिनियर के अंदर मैंने क्या बोला, लाइक भी हो सकता है डिसलाइक भी हो सकता है ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, लाइक और अनलाइक, सॉरी डिसलाइक नहीं ठीक है. क्लियर हुआ. अब दूसरा इनइक्वालिटी देखते हैं. दूसरा इनइक्वालिटी देखने के पहले तुम लोग क्या करो, वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो ठीक है. मैं इतने पार्ट को रब नहीं कर रहा हूँ, बाकी ऊपर का सारा रब कर रहा हूँ ठीक है ना. अब दूसरा इनइक्वालिटी क्या पढ़ते हैं हम ट्राइंगल में, कि इसी को जो सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड, इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन इक्वल्स टू थर्ड साइड. तो लिख लेते हैं पहले उसको, सेकेंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन इक्वल्स टू थर्ड साइड ठीक है ना. डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन इक्वल्स टू थर्ड साइड. तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस ट्राइंगल के लिए लिख रहा हूँ, देखना क्या लिख रहा हूँ, बी सी माइनस ए बी, ये साइड्स हो गए, वेक्टर नहीं लिखना, हो गया नाम चाहिए, दीज आर माई साइड्स बी सी माइनस ए बी. तो क्या बोल रहा है, अच्छा मुझे पता नहीं कि बी सी बड़ा है ए बी बड़ा है, तो बेटर है कि मॉड लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना. वट एवर इज जो पॉजिटिव और नेगेटिव, मॉड विल मेक इट पॉजिटिव ठीक है ना. वो क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ दीज टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड दैट इज ए माइनस बी अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम. अच्छा एक काम करते, पहले प्रॉपर लिख लेते हैं ए सी वैक्टर, ए सी साइड ठीक है ना. अब मैं इसको वैक्टर में लिख लेता हूँ, तो ऐसा आएगा. तो बी सी को क्या लिखूँगा मैं, मॉड ए, तो मॉड ऑफ मॉड ए माइनस
ए बी इज बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए सी, ए सी लेंथ, ए सी लेंथ इज वॉट ए सी का मैग्नीट्यूड विच इज मॉड ऑफ ए माइनस बी. सिमिलरली फ्रॉम हेयर ऑल्सो वॉट आई विल गेट सेम थिंग. इधर मैं क्या लिखूंगा, बी सी माइनस ए बी, तो मॉड ए माइनस मॉड बी, पूरा मॉड ले लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड, इधर क्या हुआ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो अब इन दोनों को क्लब करके अब मैं क्या लिख रहा हूं देखना, इधर इधर माइनस लगा रहा हूं, आई एम मेकिंग इट माइनस, और इधर लेस देन इक्वल्स टू, एक मिनट ये उल्टा कर दिया मैंने, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन इक्वल्स टू, तो इसको पहले चेंज करो, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, मेक इट मेक अ चेंज आउट, और दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, और इधर पूरे पे मॉड लगा दिया. ठीक है ना, तो डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन इक्वल्स टू थर्ड साइड. मुझे पता है ट्राइंगल जो है हमारा उसमें ए और बी अगर एडजेसेंट साइड्स हैं तो जो थर्ड साइड होगी दैट कैन बी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वही लिखा है सम डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन इक्वल्स टू थर्ड साइड. आई होप क्लियर हो गया होगा. एंड अगेन हेयर ऑल्सो सेम चीज लिखना, इक्वालिटी विल होल्ड वेन द वैक्टर्स आर कोलिनियर. इसको अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि कोलिनियर के अंदर भी दो केसेस सिनेरियो हो सकते हैं हमारा, लाइक और अनलाइक, कब हो क्या होगा वो डिपेंड करता है हमारा डाटा क्या है. ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग जस्ट कॉपी दिस पार्ट, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ. तो अभी हमने क्या देखा कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थर्ड साइड, या फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड इज लेस देन इक्वल्स टू थर्ड साइड. अब आते हैं हम इसके न्यूमेरिकल पे, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम समझेंगे. तो पहले ऐसे कॉमन एग्जाम्पल लिख लो, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी. मुझे निकालना है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स एंड वेक्टर्स ए एंड बी. और मैंने क्या बोला, अब इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि जो इक्वालिटी होल्ड होती है ना वो कहाँ होती है. ठीक है ना, वो चीज़ इसलिए ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें फर्स्ट पार्ट, लेट्स से उसने दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इज लेट्स से 5, मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी इज 6, और लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए प्लस बी इज 11. मान लो ये डाटा है. ठीक है, तो हमें दिख रहा है क्लियरली कि मॉड ए प्लस मॉड बी मॉड ऑफ ए प्लस बी के बराबर आ रहा है. ठीक है ना, मॉड ऑफ ए प्लस बी के बराबर आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, वेक्टर्स विल बी कोलिनियर, ये तो पक्की बात है. मैं बोलूँगा क्या हो रहा है, मॉड ए, जस्ट अ मिनट, मॉड ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस बी आ रहा है. अच्छा मैं एक काम करता हूँ, चारों सिनेरियो लिख देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. ठीक है ना, अब मैं सेकंड लिख रहा हूँ, मॉड ए इक्वल्स टू 5, मॉड बी इक्वल्स टू 6, एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 11. फिर थर्ड सिनेरियो इज यही सेम, मॉड ए इक्वल्स टू 5, मॉड बी इक्वल्स टू 6, एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी 11, ये मैंने ए माइनस बी लिखना है, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू 11. एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेक इट आउट, ए माइनस बी. ठीक है, इसको वन कर लो. और फोर्थ सिनेरियो इज मॉड ए इक्वल्स टू 5, मॉड बी इक्वल्स टू 6, एंड मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू 1. तुम लोग इसको एक बार खुद से वीडियो पॉज करके एनालाइज करो. ठीक है ना, मतलब एनालाइज करो मतलब सिनेरियो देखो क्या हो रहा है, एंड यू शुड बी एबल टू टेल द एंगल. ठीक है ना, मैंने ऐसा सिनेरियो लिया है कि इसमें से दो टाइम तो एंगल जीरो आएगा, दो टाइम्स पाई आएगा, मतलब है तो सारे के सारे केसेस कोलिनियर वाले. इन ऑल द फोर सिनेरियोज वैक्टर ए एंड वैक्टर बी आर कोलिनियर. अब कोलिनियर के अंदर भी क्या हो सकता है, या तो वो लाइक होंगे या अनलाइक होंगे, तो वो तुम्हें देखना है. ठीक है ना, अब मैं आ रहा हूँ इसके डिस्कशन पे, बट बिफोर दैट यू शुड पॉज द वीडियो एंड एक बार खुद से ट्राई करो. ठीक है, चलो तो देखते हैं. अच्छा एक काम करता हूँ, साइड में इनइक्वालिटी और लिख लेता हूँ जो अभी हमने देखी थी. एक तो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस माइनस इधर, और एक मॉड ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए प्लस माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू साइड मॉड ए माइनस मॉड बी इसका मैग्नीट्यूड. ठीक है ना, ये दो इनइक्वालिटी हमने देखी थी, विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल सॉल्व दिस. तो लेट्स टेक फर्स्ट पार्ट. तो इसमें दिख रहा है क्लियरली 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 दिख रहा है,
तो मतलब ये तो पक्की बात है कि हमारा इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। अब हमारा सिनेरियो क्या होगा, मतलब है तो देखो हमारा, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ए मॉड ए प्लस मॉड बी, तो 5 + 6 और ये मॉड ऑफ ए प्लस बी लेंथ, तो ये वाला हो रहा है। अब इसमें हमारा इक्वलिटी आ रहा है, तो इक्वलिटी मैंने क्या बताया था, कोलिनियर या नॉन कोलिनियर के, सॉरी कोलिनियर के अंदर लाइक और अनलाइक दोनों सिनेरियो हो सकते हैं। तो क्या होगा, खुद सोचो। नाउ यू कैन सी कि 5 और 6 एड होके 11 आ रहा है ना, दैट मीन्स वॉट, मैं जैसे वैक्टर ए अगर ये है 5 लेंथ का, वो वैक्टर बी भी हमारा इसी डायरेक्शन में 6 लेंथ का है, तो when these two will be like vectors, they will simply get added and what I will get, 5 + 6 = 11। तो इन दोनों में क्या बोलूँगा, ए और बी लाइक वैक्टर्स है, दैट मीन्स एंगल इज 0 degree। नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, अगला पार्ट देखते हैं फिर समझ में आएगा, ठीक है ना। चलो अब मैंने बोला अब देखो इधर ध्यान से, अब देखो इंपॉर्टेंट, अब देखना ए और बी, ए 5 है, बी का मैग्नीट्यूड 6 है, अब ए माइनस बी 11 है, खुद सोचो ए माइनस बी 11 कब होगा। अगर मैंने मान लो ए और बी का डायरेक्शन सेम ले लिया, तो ए माइनस बी तो छोटा हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैंने ए ये लिया 5 लेंथ का, और लेट से बी मेरा ये है 6 लेंथ का, तो इफ आई विल सब्ट्रैक्ट दीज टू, वॉट आई विल गेट, आई विल गेट दिस मच लेंथ एंड दैट विल बी ऑफ मैग्नीट्यूड 1। तो इसका मतलब ए और बी लाइक तो नहीं हो सकते। अब मैं अनलाइक ले लेता हूँ, मैंने कहा ये डायरेक्शन है, तो व्हेन यू विल ऐड, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट दिस ए माइनस बी, नाउ व्हाट विल हैपन, 5 - -6, इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से मेरा एक वेक्टर ये आयोटा कॉम्प्लेक्स के सेंस में, और एक मेरा है माइनस आयोटा, तो व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट दीज टू, रिलेटिवली वो ऐड हो जाएंगे ना। तो मैंने बोला अगर ए 5 है बी 6 है, तो ए माइनस बी 11 कब आएगा, व्हेन ए आर, ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, सो दैट मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी द सिनेरियो। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा ए और बी रिलेटिवली ऐड हो जाएंगे व्हेन आई विल सब्ट्रैक्ट, तो इधर मेरा एंगल क्या आएगा, 180 डिग्री, मतलब इधर तो मेरा क्या आ रहा था लाइक, इधर अनलाइक, लिख लो इधर प्रॉपर, इधर अनलाइक, इधर मेरा क्या रहा था लाइक, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये तो होगा दोनों सिनेरियो इससे रिलेटेड। अब आते नीचे वाले पे, मॉड ऑफ ए माइनस बी वाले पे, क्लियर हुआ। एक काम करो, पहले यहाँ तक अच्छे से दिमाग में बिठाओ पहले, उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है ना। और फिर एक बार और ट्राई करो, अगर अभी तक ट्राई नहीं किए हो, अब जो समझ में आया हो वॉट एवर यू गेटिंग इट, उस नॉलेज के बेसिस पे इन दोनों को ट्राई करो, एक लाइक है एक अनलाइक है, ये बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है। अब आते हैं हम, अब मैंने बोला कि चलो ये वाले देखिए, ए 5 है बी 6 है, तो मुझे दिख रहा है इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये होगा, तो ये तो पक्की बात है। अब लाइक होगा या अनलाइक होगा वो कैसे देखें, देखना ए और बी, अब एक मिनट के लिए अगर अनलाइक माना मैंने, तो ए माइनस बी क्या होगा, वो तो ऐड हो जाएंगे रिलेटिवली, जैसे मैंने इसमें बताया था, अगर ए और बी अनलाइक होंगे तो रिलेटिवली दे विल ऐड अप, अगर ए माइनस बी करूंगा तो इसका मतलब इधर क्या हो रहा है, ए अगर मेरा इधर है तो मेरा बी को भी इसी साइड होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का डिफरेंस ये 1 आएगा ना। हेंस इस केस में क्या होगा, माई आंसर विल बी 0 degree, दैट इज लाइक वेक्टर्स। गेट इट। अब आओ लास्ट पे, अब तो ऑफकोर्स क्या बचा हमारा, अनलाइक बचा, फिर भी एक बार एक्सप्लेनेशन की बता देता हूँ। मॉड ए 5 है, मॉड बी 6 है, ए प्लस बी 1 हो रहा है। अब खुद सोचो कि एक का मैग्नीट्यूड 5 है, एक का 6 है, उन दोनों का एडिशन 1 आ रहा है, उन दोनों का एडिशन 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, रिलेटिवली वो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो बी ए मेरा इधर है तो बी मेरा इस साइड होना चाहिए, तभी जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे को इतना लेंथ मिल जाएगा। हेंस इस केस में क्या होगा, 180 डिग्री, दैट मीन्स अनलाइक। देखो जो भी अपन ने अभी पढ़ा ना, ये जस्ट एक ऐसे बोल सकता हूँ कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से किया है, मेरा ऑब्जेक्टिव अप्रोच मेरा मतलब फील देके, मतलब हमने कुछ सॉल्व वगैरह नहीं किया, इक्वेशंस वगैरह सॉल्व नहीं की, द सेम क्वेश्चन
कैन बी डन यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वो हम कब देखेंगे, अभी हम थोड़ा डॉट प्रोडक्ट वगैरह पढ़ लेंगे आगे के लेक्चर्स में, अगेन आई विल टेक इट, ठीक है ना। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा सोल्यूशन होगा मैथमेटिकल, बट इसको हमने जस्ट एक हमारे बेसिक नॉलेज से किया है, जस्ट मतलब विदाउट पेन एंड पेपर, मतलब हम डायरेक्टली बता सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन कि इसमें जीरो होगा, इसमें 180 होगा, इसमें जीरो होगा, इसमें 180 होगा। बट मैंने अगेन क्या बोल रहा हूँ, द सेम थिंग यू कैन फाइंड यूजिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दैट वी विल सी लेटर व्हेन वी विल सी द डॉट प्रोडक्ट। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, एक बार वीडियो रिमाइंड करो और फिर दोबारा देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिल नाउ। अभी तक जो भी हमने कल के लेक्चर में पढ़ा उस अभी तक और आज के जो भी पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इवन वो मतलब बहुत पता नहीं क्या क्या दिमाग लगा के खुद को कन्फ्यूज कर लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है, बट आज के लेक्चर के बाद तुमको इस चीज़ में कभी भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। इक्वालिटी कब होल्ड होता है इतना तो याद कर लो कि इक्वालिटी विल होल्ड फॉर कोलिनियर वेक्टर्स, बट उसमें हमें इतना देखना है कि वो लाइक है अनलाइक है, मतलब सेम डायरेक्शन में है अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने चारों सिनेरियो तुम्हारे सामने रख दिए, अब कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब आते हैं कुछ एक आध दो एग्जाम्पल्स में, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखो, इफ एग्जाम्पल वन, इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज बाईसेक्टर ऑफ एंगल ए इज एंगुलर बाईसेक्टर या एंगल बाईसेक्टर of vector A and vector B, then prove that magnitude of vector A is equal to magnitude of vector B, ठीक है ना। पॉज करो वीडियो, सोचो इसको, एक ही लाइन का है, इसमें भी हमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन वी कैन, या फिर जस्ट हमारा थियोरेटिकली हम बता सकते हैं इसको, ठीक है ना। हम आऊँ इसके सोल्यूशन पे, चल अब याद करो कि दो वैक्टर्स हैं ए और बी, लेट्स से दिस इज माई वैक्टर ए, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ बट ओरली हो जाएगा ये सब, ठीक है ना। और लेट्स से दिस इज माई वैक्टर बी, कुछ भी हो सकता है। अब कोई बोलेगा सर इधर ही डायरेक्शन क्यों थी, इधर दे देते तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिखो, ठीक है। अब ए प्लस बी वैक्टर क्या होगा, ए प्लस बी वैक्टर अभी हमने पढ़ा था क्या, कि अगर हमने दो वेक्टर ए और बी उनको एडजेसेंट साइड्स मानते हुए अगर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो मैं कर लेता हूँ कंप्लीट पहले, तो ए वेक्टर ये है तो इसको पैरेलली ऊपर शिफ्ट किया तो दिस इज माय वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है इसको पैरेलली शिफ्ट किया तो दिस इज माय वेक्टर बी। अब मुझे पता है ए प्लस बी वेक्टर क्या होता है, डायगोनल, कौन सा डायगोनल, लेकिन ये वाला डायगोनल, इस डायग्राम के हिसाब से दिस इज माय ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है ना। इस डायग्राम के हिसाब से दिस इज माय ए प्लस बी वेक्टर, पढ़ा है ना कि अगर हम दो एडजेसेंट साइड्स को मानते हुए पैरेललोग्राम कंप्लीट किया तो उस पैरेललोग्राम में दो डायगोनल होंगे, एक तो होगा सम वेक्टर विच इज ए प्लस बी और एक होगा डिफरेंस वेक्टर, मैं बना नहीं रहा हूँ बट डिफरेंस वेक्टर विल बी दिस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देखो, उसने बोला कि ए प्लस बी जो वेक्टर है ना वो बेसिकली ए और बी का एंगुलर बाईसेक्टर है। अब खुद सोचो कि हमने तो पैरेललोग्राम बनाया है, अच्छा मैंने बोला क्या पैरेललोग्राम में जो मेरे डायगोनल्स होते हैं क्या वो एंगुलर बाईसेक्टर होते हैं, क्या बोला मैंने क्वेश्चन कि पैरेललोग्राम में जो मेरे डायगोनल्स होते हैं आर दे एंगुलर बाईसेक्टर, तो आंसर क्या मिलेगा, नो। फॉर एग्जांपल मैं इस डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ कि इट विल बी समथिंग लाइक दिस, तो क्या ये एंगल बराबर होते हैं, नहीं होते इन जनरल पैरेललोग्राम में, इन जनरल पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर नॉट एंगुलर बाईसेक्टर्स। तो फिर ये तो बोल रहा है कि ये एंगुलर बाईसेक्टर है, ठीक है ना, ये स्पेशल पैरेललोग्राम है, ये हमारा स्पेशल पैरेललोग्राम है। अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वो पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, रोम्बस। सो दिस हैज टू बी अ रोम्बस, सिंस लिख लो इधर भले, सिंस डायगोनल आर एंगुलर बाइसेक्टर। देखो मैंने क्या बोला, इन जनरल जो हमारे डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर वो एंगुलर बाइसेक्टर्स नहीं होते हैं, तो इधर लिख लो भले, इन जनरल डायगोनल्स
डायगनल्स इन अ पैरेललोग्राम आर नॉट एंगुलर बाइसेक्टर, ठीक है ना. इन जनरल डायगनल्स इन अ पैरेललोग्राम आर नॉट एंगुलर बाइसेक्टर, बट अगर हो गए तो वो पैरेललोग्राम और रोम्बस हो जाएगा. अब मुझे पता है रोम्बस है, अब तो रोम्बस में तो चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो दैट मीन्स ये लेंथ इसके बराबर होगी. दैट इंप्लाइज मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी, हेंस प्रूफ. सिंस इट इज अ पैरेललोग्राम एंड वी नो द टू एडजेसेंट साइड्स का जो लेंथ है दैट इज मॉड ए एंड मॉड बी एंड दे हैज टू बी इक्वल, ठीक है ना. तो एक बहुत लॉजिकल छोटा सा क्वेश्चन था, बट लॉजिकल था काफी, ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं और थोड़ा फील लेंगे आज वेक्टर्स की और, ठीक है ना. एक दो न्यूमेरिकल और करा देता हूँ, उसके बाद फिर अगेन वील जंप टू द थियोरेटिकल पार्ट, बट थोड़ा फील वाला पार्ट होगा, ठीक है. नाउ लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. लिखो, छोटा सा क्वेश्चन है. फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, लेट्स से जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप इन द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेट्स से 9 units, ठीक है ना. क्या बोला दोबारा, मुझे एक वेक्टर चाहिए जो कि इसकी डायरेक्शन में हो बट उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 9 units हो, ठीक है. तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. तो वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, तो मैं क्या कर रहा हूँ सबसे पहले कि जो गिवन वेक्टर है ना उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख लेता हूँ, जो गिवन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख लेता हूँ. और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो मैं उसको 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट द रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है. तो मैंने बोला फर्स्ट टाइम गेटिंग यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, कल बताया था कि जो भी वेक्टर है उसको अगर हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो व्हाट आई विल गेट, वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ. तो मैंने बोला वील फर्स्ट वील फाइंड द यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन दैट विल बी 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, एंड इसका मैग्नीट्यूड विल बी, ये बाद में देखेंगे मैग्नीट्यूड आया कैसे, इसका डेरिवेशन वगैरह भी, बट होपफुली सबको पता होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. तो सिंपली व्हाट वी विल डू, स्क्वायर ऑफ दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो दिस विल बी माय 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय 3. दिस इज व्हाट माय यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में. अब ये तो यूनिट वेक्टर है, मुझे क्या चाहिए, इसकी डायरेक्शन में वेक्टर तो चाहिए. मतलब एक तरीके से बोलो, ये वेक्टर लेट से मेरा ये था विच इज ऑफ लेट से 3 units, इसका यूनिट 3 मैग्नीट्यूड है, 3 units. मैंने क्या किया, इसको 3 से डिवाइड करके इसी डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड ले लिया, ये 3 times हो गया लेट से इतना, ये वेक्टर मेरा ये वाला आ गया. लेट से इसको मैं नामकरण कर देता हूँ, लेट से दिस इज माई वेक्टर ए, तो दिस इज माई ए कैप, दिस इज माई ए कैप. अब मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 9 चाहिए, ये तो अभी 1 मैग्नीट्यूड का है, तो मैं क्या करूँ, इसी वेक्टर ए को आई विल मल्टीप्लाई विथ 3, तो ये हो जाएगा मेरा, सॉरी 9 ए कैप. तो ये क्या हो जाएगा मेरा फाइनली, इसको मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट 3 times, 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 times 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है. सो दिस इज वॉट अ वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वैक्टर एंड विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड 9 units. इसका 3 था, इसका 9 है, तो ये इसका 3 था, ये 3 से और मल्टीप्लाई हो गया तो 9 है आ गया, ठीक है. तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था. ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, पॉज करो, उसको कॉपी करो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. इफ एक मिनट, पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ एक बार. लेट्स से दिस इज माय डायग्राम,
डायग्राम ए बी सी डी, ठीक है ना। अब लिखो क्वेश्चन, इफ द डायगनल्स डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ए सी वैक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप एंड बी डी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस टेन के कैप। उसने क्या दिया, एक पैरेललोग्राम है उसके डायग्रल्स दे दिया हमें। अब क्या निकालना है हमें, फाइंड फाइंड एडजेसेंट साइड्स वेक्टर, फाइंड साइड वेक्टर्स, जो हमें साइड्स हैं वो निकालना है इन अ फॉर्म ऑफ वेक्टर। मतलब हमें ये दोनों निकालना है, दिस एंड दिस वी हैव टू फाइंड, ठीक है ना, एडजेसेंट साइड्स वेक्टर, ठीक है। तो अब कौन सा फैक्ट यूज करूंगा मैं, सॉल्यूशन पे आते एक बार तुम लोग ट्राई कर लो। तो हमें डायगनल्स दिए हैं पैरेललोग्राम के, मुझे निकालना है साइड वेक्टर्स। तो अब मैं वो वाला स्टेटमेंट यूज करूंगा जो कल लिखवाया था कि डायगनल्स पैरेललोग्राम के अंदर अगर मेरी दो साइड्स ए और बी है, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर माय टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो जो उसके डायगनल्स होते हैं दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है, सम वेक्टर एंड डिफरेंस वेक्टर इज व्हाट माय डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इसमें से किसी को एक को सम मान लिया, इसको एक को डिफरेंस मान लिया, तो मैंने बोला अगर मैंने इसको ए माना इसको बी माना, तो मेरा ए प्लस बी वेक्टर लिख रहा हूँ मैं, अगेन मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूँ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हैज़ टू बी टू आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस सिक्स के कैप एंड माई ए माइनस बी वेक्टर डिफरेंस वेक्टर विल बी माइनस फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस टेन के कैप। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, तो ए और बी मिल जाएंगे। क्या करें, पहले ऐड कर देते हैं। तो इफ आई विल ऐड दीज टू इक्वेशंस, इधर मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू दिस इज माइनस टू आई कैप, दिस इज टू जे कैप एंड माइनस फोर के कैप। तो फ्रॉम हेयर व्हाट आई विल गेट, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप, दिस इज व्हाट माई वैक्टर ए। एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें वेक्टर बी मिल जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट दीज टू, तो टू आई माइनस ऑफ माइनस फोर आई विच इज सिक्स आई कैप माइनस एट जे कैप एंड प्लस सिक्सटीन के कैप। तो फ्रॉम हेयर वेक्टर बी यू विल गेट थ्री आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस एट के कैप, दिस इज व्हाट माई वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। तो ये मेरे साइड वेक्टर्स हो गए, जो मेरा साइड्स दी थी पहले लोगों की साइड्स जो निकालनी थी, दे आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अगेन ए वेरी बेसिक क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन भी मेन से पहले पूछा गया है, ठीक है ना, है बहुत ही आसान वो, बट याद कब सॉल्व कब हो पाएगा, जब हमें पता हो कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं, एक एक डायगनल सम वेक्टर होता है और एक डिफरेंस वेक्टर होता है, तब इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो अब क्वेश्चन करा रहा हूँ दैट इज़ गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, देखते हैं तुम लोगों में से कौन करता है, ठीक है। और एक बार जब मैं क्वेश्चन लिखवा दूँ उसके बाद खुद से ट्राई जरूर करना है। अगेन अब मैं जो अभी तक तो हमने बहुत बेसिक देखा एनसीईआरटी पार्ट वाला क्वेश्चन, अब थोड़ा मैं जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखो, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम, देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम एंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे एक्चुअली, एक तो अभी जो हम नॉलेज ऑलरेडी गेन कर चुके हैं उसके बेसिस पे, और एक थोड़ा सा मैं मैथमेटिकल पार्ट करूँगा कीपिंग इन माइंड कि तुम्हें थोड़ा बहुत फिजिक्स से थोड़ा वेक्टर आता होगा, और बाकी हम वो जो चीज़ मैं सेकेंड मेथड करूँगा दैट वो चीज़ हम थोड़ा बाद में पढ़ने वाले हैं एक दो लेक्चर बाद डॉट प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। बट पहले तो हम उस मेथड से करते हैं जो हमने अभी तक जितना पढ़ चुका है उसके नॉलेज के बेसिस पे, बट बिफोर दैट तुम लोग को ट्राई करना है, ठीक है। चलो अब मैं आता हूँ, पहले लिख लेता हूँ क्या क्या बोल रहा है। उसने बोला कोई दो वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, उनका जो सम आ रहा है ना दैट इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर। तो पहले मैंने मान लिया कि जो मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं वो ए कैप हैं और एक है बी कैप, और इन दोनों का सम इज सी कैप।
ये इक्वेशन उसने दे रखी है कि सम ऑफ टू कैप मतलब यूनिट वेक्टर का नोटेशन है, तो ए कैप प्लस बी कैप इज सी कैप। अब निकालना क्या है मुझे, एंगल बिटवीन देम, तो ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल, दिस इज द नोटेशन। और मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ये दो चीज निकालनी टू फाइन। अच्छा, सम सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो तो यूनिट वेक्टर है, तो सम का मैग्नीट्यूड तो वही होगा, मतलब उसने डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्यों पूछा, बिकॉज उसने ऑलरेडी दे दिया कि सम वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इन दोनों का सम एक वेक्टर है, वो अपने आप में यूनिट वेक्टर है, तो इनका सम का मैग्नीट्यूड तो वन है, अंडरस्टूड है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पे, बहुत स्मार्ट है सॉल्यूशन, देखना। लेट्स से ये मेरा एक वेक्टर है ए, ए कैप, ठीक है, दिस इज माय ए कैप। ध्यान से सुन लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब मेरा एक दूसरा वेक्टर है बी, अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं देखना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज माय वेक्टर बी, क्योंकि मुझे पता है ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड वन है, तो ये दोनों लेंथ बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अभी मैंने बी को डायरेक्शन नहीं दिया है, क्या बोला मैं, अभी एट प्रेजेंट मैंने बी को डायरेक्शन, ए तो मैंने कोई भी वेक्टर ले लिया, ए और बी में से कोई भी एक वेक्टर ले लो, बट दूसरे वेक्टर को मैंने डायरेक्शन नहीं दिया। अब सुनना ध्यान से, अगर एक मिनट के लिए मैंने बी को डायरेक्शन ये दिया होता, अगर अभी दिया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ दिया होता, तो मेरा जो सम वेक्टर होता ए प्लस बी, वो तो मेरा क्या होता, ये पहला गुलाम कंप्लीट करता, दिस इज माई ए प्लस बी वैक्टर, ए कैप प्लस बी कैप। तो इस डायग्राम के हिसाब से बताओ, क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये यूनिट वेक्टर आ सकता है, नहीं आ सकता। यू कैन सी विद द डायग्राम ऑल्सो कि अगर वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो ये डायगनल लेंथ तो बड़ा बड़ा है, बड़ा वाला डायगनल आ रहा है, तो मतलब ये वाला सिनेरियो तो नहीं होगा, तो मतलब ये जो डायरेक्शन दी थी मैंने, दिस इज रॉन्ग। अब आते करेक्ट वाले पार्ट पे, तो लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए, अब मैंने बी वेक्टर को ये डायरेक्शन दिया, ऑफ कोर्स आई हैव टू कीप द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर एज वन, लेट्स से दिस इज माय बी वेक्टर, ठीक है, दिस इज माय बी वेक्टर। अब देखो, एक तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज इसके अंदर जो ए कैप प्लस बी कैप आ रहा था, वो बड़ा वाला डायगनल आ रहा था। अब मैंने कहा ये वाला सिनेरियो लेते हैं, तो इसके अंदर ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, तो ए प्लस बी वेक्टर मतलब यहां से मैं यहां गया, दिस इज माय ए प्लस बी वेक्टर, ए कैप प्लस बी कैप। हाँ, ये यूनिट वेक्टर आ सकता है, दिस कैन बी अ यूनिट वेक्टर, एंड इट हैज टू बी, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ दीज टू वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, तो ये सिनेरियो तो हो नहीं रहा, दिस इज माय आंसर, दिस इज माय सिनेरियो, ठीक है, क्लियर हुआ कैसे मैंने समझाया दोनों में से डिफ्रेंशिएट करना। चलो अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, तो बिफोर दैट जस्ट कॉपी दिस मच पार्ट, ठीक है, मैं रब कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बी का डायरेक्शन देख लिया कैसे आने वाला है, तो मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। लेट्स से दिस इज माय वेक्टर ए कैप, दिस इज माय वेक्टर बी कैप, एंड दिस इज माय वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। अब दिख रहा है दिस इज अ ट्राइंगल, एंड इट इज़ अ स्पेशल ट्राइंगल, क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों इक्विलेटरल क्यों है, बिकॉज ये साइड है बी कैप, उसका मैग्नीट्यूड वन है, ये ए कैप है, उसका मैग्नीट्यूड वन, एंड दिस इज ऑल्सो अ यूनिट वैक्टर, उसने दिया है सम ऑफ टू वैक्टर इज अ यूनिट वैक्टर, सो दिस ऑल द थ्री साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर इक्वल, हैंस दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल है तो क्या होगा, साइड्स के बीच में एंगल इज 60 डिग्री, तो दिस एंगल इज 60 डिग्री, ऑल दीज थ्री एंगल्स आर 60 डिग्री। तो अब इस डायग्राम के हिसाब से क्या मैं बोलूँ ए और बी के बीच में एंगल इज 60 डिग्री, नहीं। कल मैंने क्या बताया था, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स में पढ़ाया था, तो क्या बताया था, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल हम कैसे डिफाइन करते हैं, पहले हम उनकी टेल 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 मिलाते हैं, वो एंगल होता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो इसमें पहले मैं क्या करूँगा, बी वेक्टर को स्लाइड करके नीचे लेके आऊँगा, ए और बी का टेल टेल मिलाऊंगा, तो मैं स्लाइड करके इधर लेके आया ऐसे, दिस इज माई वैक्टर बी, ठीक है ना, दिस इज माई वैक्टर बी। अब ये जो एंगल है, this is what my angle between vectors a and vector b, and this is if this is 60 then this has to be 120, to mera angle between vectors a and b kitna aaya 120, to mera a cap aur b cap inke beech mein angle is 120, this is my answer। abhi to ek part aaya, ab dusra part, ab usne ek aur cheez kya boli thi ki difference vector ka magnitude, to aaye uske ab jump karte hain, to main is part isko rub kar deta hu thoda, कॉपी कर लेना इसको, ठीक है। अब मुझे पता है कि डिफरेंस वेक्टर क्या होगा,
अगर ये दो एडजेसेंट साइड्स हैं ए और बी, मेरा ऑलरेडी ये ए कैप प्लस बी कैप था, तो डिफरेंस वेक्टर विल बी द अदर डायगोनल, तो मैं उसको बना लेता हूँ। तो पहले मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। नाउ दिस इज माई ए माइनस बी कैप, ए कैप माइनस बी कैप, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, मुझे पता है कि दिस इज अ रोम्बस, क्यों भाई रोम्बस क्यों है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो एडजेसेंट साइड्स पैरेललोग्राम की अगर बराबर है तो इट हैज़ टू बी अ रोम्बस। तो रोम्बस है तो मैं क्या फैक्ट यूज करूँगा, सोचो एक सेकंड के लिए, चलो तुम्हारा टास्क है एक मिनट के लिए। मैंने बोला कि ये डायगोनल की लेंथ निकालो, लेट से मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ ए बी सी डी, तुम्हें निकालना है जो ए सी है ना, ए सी बाय ए सी निकालना है बेसिकली, ए सी लेंथ इज व्हाट बेसिकली मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब हम और मैंने क्या क्या पता है मुझे कि दिस पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम दैट इज रोम्बस, करो एक बार। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, तो मैंने बोला सिंस इट इज अ रोम्बस तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि रोम्बस के अंदर डायगनल्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो दिस हैज टू बी 90 डिग्री, 90 डिग्री है। अच्छा, और एक चीज़ और, रोम्बस के अंदर जो डायगनल्स होते हैं दे आर एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑल्सो, अब ये पूरा 60 था तो दिस इज 30, दिस इज 30, अब ये 1 है, ये 1 है हाइपोटेन्यूज, मैं इस ट्रायंगल को अलग से लिख लेता हूँ, लेट्स से दिस पॉइंट इज ई, तो ये मेरा ई है, ये मेरा बी है, और ये मेरा 1 लेंथ है, और ये मेरा 30 है, तो ये लेंथ कितना होगा, 1 का कॉस 30, ए ई जो होगा दैट इज 1 कॉस 30 विच इज रूट 3/2 दैट इज हाफ ऑफ ए सी, तो मुझे ए सी निकालना है, तो फाइनली ए सी क्या होगा मेरा, ए सी ए सी लेंथ दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप दैट इज ट्वाइस ऑफ ए ई, क्योंकि डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं पैरेललोग्राम में, और बल्कि ये तो स्पेशल पैरेललोग्राम है, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर इज 2 टाइम्स रूट 3/2 विच इज रूट 3, सो दिस इज माई मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एंड दिस इज द एंगल बिटवीन वैक्टर्स ए एंड वैक्टर बी। क्लियर हुआ बच्चों, आई होप हुआ होगा, नहीं भी हुआ कोई बात नहीं, डाउट सेशन में मुझसे क्लियर करा करो, जो भी डाउट आए उस पर्टिकुलर दिन यू हैव टू क्लियर इट ऑन दैट डेट, ठीक है। और कभी कभी रिप्लाई देने में अगर लेट हो जाए तो ऐसा नहीं कि सर इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तो मे बी आई एम बिजी और समवेयर, सो बट दूंगा रिप्लाई, मे बी इट विल टेक टाइम बट आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली, ठीक है ना। एटलीस्ट डाउट सेशन में तो करेंगे, क्योंकि डाउट सेशन 4 दिन होता है ना, 2 दिन नहीं होता है, तो इन दोज 2 डेज जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलो, बट यू हैव टू रिप्लाई, मतलब तुम लोग मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जैसे अपने 23-24 बच्चे थे, मैक्सिमम 7 या 8 लोग हैं जो टच में रह रहे हैं, मतलब डाउट्स भेजते हैं या कुछ पूछते हैं, बाकियों को कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि टाइम है, यूटिलाइज कर लो, मतलब दिस विल डिसाइड योर एंटायर कैरियर, तुम कहाँ जाने वाले हो, ठीक है ना। इसलिए अभी कोई सोशल नेटवर्किंग वगैरह कुछ नहीं करना है, अभी केवल और केवल पढ़ाई, ठीक है ना। जस्ट कितना टाइम रह गया, 7-8 महीने बस पढ़ाई करना है, 7 महीने, उसके बाद फिर अपने आप कैरियर है, ठीक है ना, उसका जो करना है करो, बट एक बार सिक्योर हो जाओ, ठीक है। चलो, हाँ, जैसे कि मैंने बोला था तुम लोगों को कि इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ, बट इन दैट वी रिक्वायर नॉलेज ऑफ लिटिल बिट अबाउट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसका एप्लीकेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन देख तो लेते हैं, कुछ को समझ में आएगा कुछ को नहीं आएगा कोई बात नहीं, बाद में कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, बट एटलीस्ट क्वेश्चन एनकाउंटर हुआ तो वील सॉल्व इट, अदरवाइज भूल जाएंगे बाद में सॉल्व करना। तो उसने हमारी इक्वेशन क्या थी, ए कैप प्लस बी कैप इज सी कैप, ठीक है। अब मैं कौन सा फैक्ट यूज कर रहा हूँ देखना ध्यान से, ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर, जस्ट लाइक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में होता था जेड इंटू जेड बार इज मॉड जेड स्क्वायर, उसी तरीके से हमारा क्या बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर। बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, जस्ट एक स्मॉल इंट्रो, ए डॉट बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो इफ आई पुट बी की जगह ए ही रखूंगा तो ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा, 0, कॉस 0 इज 1, तो ये खत्म, तो ये हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड ए विच इज मॉड ए का स्क्वायर। तो उसी तरीके से अब मैंने क्या किया, दोनों साइड मॉड लिया, ठीक है, आई हैव टेकन मॉड ऑन बोथ द साइड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, सो दिस इज मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी कैप का स्क्वायर। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट यूज दिस इफेक्ट कि किसी भी मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज वो वेक्टर इनटू उसी का डॉट प्रोडक्ट। तो ये ए कैप प्लस बी कैप एक मेरा वेक्टर है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर
डॉट विथ यही वेक्टर, तो मतलब ये हो जाएगा मेरा ए कैप प्लस बी कैप का डॉट इसी के साथ, ए कैप प्लस बी कैप, एंड वी नो मॉड सी इज वन, उसका स्क्वायर इज वन। अब ओपन करते थे डॉट प्रोडक्ट, तो ए कैप डॉट ए कैप इज मॉड ए, मतलब मॉड ए कैप का स्क्वायर विच इज वन। सिमिलरली यू विल गेट बी कैप डॉट बी कैप इज अगेन वन, प्लस इधर से मिलेगा ए डॉट ए कैप डॉट बी कैप, उधर से बी कैप डॉट ए कैप, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए कैप डॉट बी कैप, दिस इज वन। तो ये वन से वन कैंसिल, व्हाट यू विल गेट ए कैप डॉट बी कैप इज माइनस वन बाय टू। अब ए कैप डॉट बी कैप क्या लिखूंगा मैं, डॉट प्रोडक्ट से मॉड ऑफ ए कैप इंटू मॉड ऑफ बी कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, लेट्स से थीटा, दिस इज माइनस हाफ। अब दिस इज वन, दिस इज वन, तो कॉस थीटा कितना आ गया माइनस हाफ, विच इम्प्लाइज माय थीटा इज 120 डिग्री। देखो यही आया था हमारा, और देखो मैथमेटिकली कितना आसान आ गया, उसमें थोड़ा एनालिसिस ज़्यादा लगा था एक्चुअली, वो मेथड ज़्यादा स्मार्ट है, बट ऑफकोर्स मैथमेटिकली अगर मान लो उसमें थोड़ा मतलब उतना फील नहीं आया तो कोई नहीं, ऑल्टरनेटिव वे है हमारे पास। सो व्हाट यू आर गेटिंग, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री, क्लियर हुआ। अब मैंने बोला कि अब एक और चीज़ निकाली थी हमें, डिफरेंस वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड और निकालना था, तो कैसे निकालें, तो कोई बात नहीं, इसको इसको मैंने मान लिया लेट्स से अल्फा है, एक मिनट के लिए मुझे अल्फा निकालना है, तो मैंने क्या किया अगेन स्क्वायर किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने थीटा तो निकाल लिया है, अब मैं फाइंड कर रहा हूँ डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। नाउ आई एम फाइंडिंग डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सो देखो इधर स्क्वायर किया, तो अब इसको ओपन करा, सेम किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज वो वेक्टर, वो वेक्टर इन डॉट विथ वही सेम वेक्टर ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो व्हेन यू ओपन दिस ए डॉट ए इज वन, बी कैप डॉट बी कैप माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी कैप डॉट बी कैप इज अगेन वन, तो वन प्लस वन, फिर माइनस आएगा ए डॉट बी और एक बी डॉट ए, तो दैट इज माइनस ऑफ ए डॉट बी कैप, ए कैप डॉट बी कैप, दिस इज अल्फा स्क्वायर। अब ए कैप डॉट बी कैप क्या होगा, वो तुम डायरेक्टली यहाँ से उठा के रख सकते हो, तो व्हाट यू विल गेट, वन प्लस वन माइनस ट्वाइस ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर कितना आया थ्री, माय अल्फा इज रूट थ्री, माइनस रूट थ्री लूंगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, सो अल्फा ही निकालना था हमें, हमने अल्फा को ही अज्यूम किया था डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड आ गया डिफरेंस वेक्टर का, ठीक है ना। सो अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि ये मेथड अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे पहले वाला मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज ऑफ नाउ, ऑफकोर्स ये ईजी है बट इस चीज़ को हम बाद में करेंगे व्हेन वी विल सी द डॉट प्रोडक्ट, ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलो तो अब हम एक बार क्विक रिव्यू करते हैं जो भी अभी तक हम पढ़े और उसके बाद फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर। वैसे मेरा टारगेट था थोड़ा सा और पढ़ाना, जैसा कि मैंने शुरू में बोला था आज कुछ हम इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा उसको हम एक साथ देखेंगे क्योंकि नहीं तो वो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा टॉपिक, और मैं चाह रहा हूँ कि वो एक ही दिन में एक साथ हो तो ज़्यादा तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो आज हम अब बस अभी क्या करते हैं, एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा। एक बार तुम लोग पॉज करके एक एक पेज पे समरी लिखो जो भी तुम्हें समझ में आया अभी तक, ठीक है ना। वट एवर समझ में आया इन द सेंस जो भी तुम्हें याद आ रहा है कल से अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है ना। एटलीस्ट कल से नहीं तो आज से, तो जो हमने आज पढ़ा वो तो तुम्हें होना चाहिए, स्पेशली दिस लास्ट न्यूमेरिकल, दिस एकदम दिमाग में छाप लेना हमने कैसे कैसे किया, बिकॉज इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें एक साथ यूज़ कर ली जो आज कल से अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। चलो एक बार मैं क्विक रिव्यू दे रहा हूँ फास्ट, ठीक है ना, टाइम थोड़ा सा बचा है तो वील टेक अ क्विक रिव्यू। तो हमने स्टार्ट कैसे किया था कि वेक्टर क्या, कैसे डिफाइन किया था वेक्टर को, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सिंपली, ठीक है ना। फिर हमने देखा था वेक्टर के अंदर दो इन्फॉर्मेशन होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है एक डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर उस पर बार लगा, वेक्टर और उस पर मॉड लगा दिया, या फिर सिंपली ए लिख दिया, बोथ रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। और वेक्टर को कैसे लिखते हैं, या तो इस पे बार लगा दिया, इस पे एरो लगा दिया, या फिर बोल्ड ए, ऐसा बताया था मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बताया था जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो। और अच्छा एक चीज़ और लिख लेना अगर उधर ऐड नहीं किया हो, तो मैग्नीट्यूड तो जीरो बट डायरेक्शन इज इनडिटरमाइंड, डायरेक्शन नहीं होती जीरो वेक्टर की, कोई डायरेक्शन नहीं होती, लिख लो अगर उधर नहीं लिखा हो। नल वेक्टर का अभी याद आया मुझे इसलिए मैंने कहा बताता हूँ, नल वेक्टर मतलब क्या बताया था, मैग्नीट्यूड तो जीरो है, मॉड ए जीरो, और डायरेक्शन लिख लो उधर अगर नहीं ऐड किया हो तो, डायरेक्शन डायरेक्शन इज अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेंट,
डायरेक्शन कुछ नहीं होती, जीरो वेक्टर मतलब एक पॉइंट ना, उसका डायरेक्शन क्या होगा? याद है अपने इसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या देखा था? मैंने बोला z इज इक्वल टू जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी, दोनों बोलते हैं इसको। इसके लिए हमने क्या बोला था, जो जीरो वेक्टर, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो है, दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड जीरो, बट उसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, क्योंकि पॉइंट का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? देखो मैंने बोला कोई अगर मान लो ये पॉइंट है, तो इसका आर्ग्यूमेंट तो इस, ये वेक्टर, ये लाइन जो एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना। बट अगर मैंने पॉइंट यही ले लिया, इसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो इस पॉइंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो हम क्या बोलते थे कॉम्प्लेक्स नंबर में, जेड इज इक्वल टू जीरो का आर्ग्यूमेंट इज अनडिफाइंड। सिमिलरली हियर ऑल्सो नल वेक्टर का डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेंट, अनडिफाइंड। मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स जीरो होगा, वो तो नाम से इंडिकेट हो रहा है नल वेक्टर। उसके बाद फिर अपन ने देखा था यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर बट मैग्नीट्यूड वन होता है। तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर ए और उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर बनाना है तो क्या करें, उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है इन द सेम डायरेक्शन। उसके बाद हमने देखा था अपना पोजिशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बोला था मैंने, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, एंड द डायरेक्शन टुवर्ड्स द गिवन पॉइंट इज माय पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है ना। ये पोजीशन वेक्टर देखा था। फिर हमने देखा था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यूनिक होता है, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर, सॉरी सेम पॉइंट का दो डिफरेंट पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकती, या फिर दो डिफरेंट पॉइंट का सेम पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता, बिकॉज पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट। और कोई दो डिफरेंट पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेम कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन द सेम वे पोजीशन वेक्टर्स इज यूनिक। उसके बाद हमने देखा था फिक्स वेक्टर और फ्री वेक्टर। तो फिक्स वेक्टर मतलब क्या होता है, सॉरी फ्री वेक्टर मतलब क्या होता है, जिसको हम ट्रांसलेट कर सकें। लेट्स से वेक्टर ये ए है, तो इसको ट्रांसलेट करके मैंने इधर रख दिया, सो वी कैन ट्रांसलेट द वेक्टर, बट कीपिंग दैट इन माइंड वी शुड नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, ठीक ना। वाइल प्रोटेक्टिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वी कैन ट्रांसलेट इट। और जैसा कि मैंने बोला मैथमेटिक्स में हम सभी वेक्टर्स को ट्रांसलेट कर सकते हैं, कहीं से कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था फिक्स वेक्टर। फिक्स वेक्टर क्या होता है, जिसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सके, मतलब जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स हो, ठीक है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल पोजिशन वैक्टर इज वॉट माई फिक्स वैक्टर, बिकॉज पोजिशन वैक्टर का जो टेल होता है दैट इज फिक्स ओरिजिन, तो अब इसको तो मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता ना, नहीं तो उसका लेंथ चेंज हो जाएगा या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो नया वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होगा, वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है, प्लस एक चीज़ और मैंने देखवाई थी, एंड हैविंग एंड रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर है, तो मैंने ऐसे लिखा 2i कैप माइनस 2j कैप, और एक मान लो मेरा वेलोसिटी वेक्टर है, उसको भी मैंने लिखा 2i कैप माइनस 2j कैप। ऑल्दो दीज इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, बट आई कैन नॉट से दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, बिकॉज दिस इज समथिंग, दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे ना। तो एक पॉइंट उधर छोटा सा मैंने वो ऐड किया था। उसके बाद हमने देखा था, उसके बाद अपन ने क्या देखा था, पोजिशन वैक्टर हो गया, फ्री वैक्टर हो गया। उसके बाद हमने देखा था, लेट मी रिकॉल इट, इक्वल वेक्टर हो गया, पोजिशन वेक्टर हो गया, फिक्स्ड फ्री। उसके बाद फिर हम एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पे आए थे, ठीक है ना। एलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स में हमने फिर आज सुबह रिवाइज़ किया था आज ही के लेक्चर में, कि स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेम डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव स्केलर है तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर मिलता है, और नेगेटिव में नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। और एक चीज़ हमने कल देखी थी, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या था, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन, ठीक है ना। और कभी भी एंगल निकालना है तो हम उस वेक्टर्स के टेल या टेल मिलाएंगे तब बोलेंगे, या फिर हेड और हेड मिलाएंगे, बट इन जनरल प्रैक्टिस में हम टेल टू टेल मिलाते हैं। उसके बाद फिर हमने कोलिनियर वेक्टर भी देखा था, अभी भूल गया था मैं, कोलिनियर वेक्टर रिकॉल कर रहा था। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एप्लीकेशन पैरेलल हो। अब उसमें दो सिनेरियो हैं, या तो लाइक या अनलाइक। लाइक मतलब सेम डायरेक्शन, अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। उसके बाद फिर एलजेब्रा वेक्टर्स में अपने ये देखिए, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो उसके लिए ट्राइंगल लो और पैरेललोग्राम लो, वो तो आज सुबह ही देखा। फिर एक शॉर्टकट देखा था हमने, शॉर्टकट में क्या था, कहीं से भी कहीं तक जाना हो, लेट्स मुझे यहाँ तक यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो कोई भी पाथ यूज़ करो, वॉट एवर पाथ यू हैव टू रीच दिस पॉइंट, रस्ते में जो भी वैक्टर्स आते जाए सबको ऐड करते जाओ विथ डायरेक्शन, ठीक है ना। इतना देखा, और फिर उसके बाद अपन ने आज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। उसके जो चारों सिनेरियो हैं वो एकदम दिमाग में अच्छे से कर लेना, तो और अच्छे से लिख लेना उधर, कि जो इक्वालिटी है वो होल्ड कब करती है,
जब हमारे वेक्टर्स कोलिनियर हों, उसमें दो सिनेरियो होते हैं, लाइक या अनलाइक, वो आज अपन ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल किए वो भी तुम्हें एकदम अच्छे से आना चाहिए, स्पेशली द लास्ट वन, ठीक है। तो फिर आज के लिए मैं एंड अप करता हूँ, कल मैं थोड़ा सा हो सकता है लेंदी लेक्चर हो, तो क्योंकि आज मैं एक्चुअली टारगेट था मेरा थोड़ा सा वो पार्ट कवर करना, बट मैं सोचा हूँ उसको कंटिन्यूसली एक कंप्लीट लेक्चर में लूँगा, ठीक है, क्योंकि वो पार्ट जो है वो थोड़ा फील वाला पार्ट है। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे, ओके, थैंक यू।